कुछ सवालों के उलझन है मेरे मन में, पूछना था तुमसे पर इस काबिल नहीं हो तुम। कुछ सवालों के उलझन, अगर मोबाइल चलाना हो गया तो जरा ध्यान देंगे इधर। कुछ सवालों के उलझन है मेरे मन में, पूछना था तुमसे पर इस काबिल नहीं हो तुम। क्या वैसे ही होता है जब उसको मिलने जाती हो, क्या वैसा ही होता है जब उसको मिलने जाती हो, क्या वैसा ही होता है जब उसको गले लगाती हो। कुछ सवालों के उलझन है मेरे मन में, पूछना था तुमसे पर इस काबिल नहीं हो तुम। क्या वैसा ही होता है जब तुम्हारे माथे को चूमता है, क्या वैसा ही होता है जब वो तुम्हारे माथे को चूमता है, क्या वैसे ही आज भी दिन तुम्हारा पागलों सा झूमता है। कुछ सवालों के उलझन है मेरे मन में, पूछना था तुमसे पर इस काबिल नहीं हो तुम। क्या वैसा ही होता है जब तुम उदास होती हो, क्या वैसा ही होता है जब तुम उदास होती हो, क्या वैसा ही खुश होती हो जब उसके पास होती हो। कुछ सवालों की उलझन है मेरे मन में, पूछना था तुमसे पर इस काबिल नहीं हो तुम। अगला है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव मामला है, हमारे यहाँ काफी हो रहा है अक्सर ये दुष्कर्म वगैरह जो हो जाते हैं उसी पे कुछ लिखा है मैंने, जरा ध्यान दीजिएगा। इसका शीर्षक है क्यों, आखिर क्यों ये घटनाएं बार बार होती हैं, आखिर क्यों ये घटनाएं बार बार होती हैं, आखिर क्यों हर बार लड़कियां ही शर्मसार होती हैं, आखिर क्यों ये घटनाएं बार बार होती हैं, आखिर क्यों हर बार लड़कियां ही शर्मसार होती हैं, आखिर क्यों ये समाज उनके पहनावे पे उंगली उठाती है, आखिर क्यों ये समाज उनके पहनावे पे उंगली उठाती है, आखिर क्यों नहीं सुनते जब वो चीखती चिल्लाती है, आखिर क्यों नहीं सुनते जब वो चीखती चिल्लाती है, आखिर क्यों बेटियां माँ के कोख में बहुत मुश्किल से पलती हैं, आखिर क्यों बेटियां माँ के कोख में बहुत मुश्किल से पलती हैं, आखिर क्यों दहेज लोभियों के घर कोई माँ कोई बहन रोज जलती है, आखिर क्यों दहेज लोभियों के घर कोई माँ कोई बहन रोज जलती है, आखिर क्यों बार बार नाजुक कलाइयां मरोड़ते हो, आखिर क्यों बार बार नाजुक कलाइयां मरोड़ते हो, आखिर क्यों अपनी हैवानियत में, आखिर क्यों अपनी हैवानियत में उनके अरमानों को कुचलते हो, आखिर कब समझोगे आप भी किसी के भाई किसी के बाप हैं, आप आखिर कब समझोगे आप भी किसी के भाई किसी के बाप हैं, आखिर क्यों यहाँ बेटी होना इतना बड़ा पाप है। इसी के साथ मैं विराम दूंगा।